दोस्तों नमस्कार, एसएससी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन, जिसको हम हिंदी में अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा क्या है, क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है, किन किन स्रोतों से होती है, क्या क्या स्रोत इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब की डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर हम बात करें कि एसिड रेन क्या है, तो सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जो रेन है जब वो एसिडिक हो जाती है, या जर्नल बोलचाल की भाषा में एक सिंपल फिनोमिना दिमाग में आता है कि जो बारिश अम्ल की हो उसको हम एसिड रेन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जो सामान्य बारिश है उसमें जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल जल भी हमारा अम्लीय होता है, लेकिन जो सामान्य बारिश है उसमें जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह एसिड रेन कहलाती है। क्या होता है कि अम्ल की मात्रा बढ़ने से क्या हाइड्रोजन के जो आयन है उनका स्तर ऊंचा हो जाता है और पीएच क्या हो जाएगा, इससे डाउन हो जाएगा। तो जितना पीएच कम रहेगा उतना ही कोई भी द्रव है वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। 7 से अधिक होने पर क्या होता है, वो बेसिक होता जाता है, क्षारीय होता जाता है। सामान्य अगर हम जल की बात करें, जो कि सामान्य वर्षा के जल की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 5.5 से 6 के बीच में उसका पीएच रहता है। ये देखिए, आप यहां से इस ग्राफ के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सामान्य जो वर्षा है उसमें क्या होता है कि 5-6% के बीच में पीएच रहता है, लेकिन जब अम्ल वर्षा होती है तो ये पीएच घट जाता है और ये 3-4 के आसपास आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो अम्ल है वो बारिश में ज़्यादा मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं और इस वजह से जो भी रेन है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्यों होता है, अब आप ये समझिए। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्या हो रहा है कि जो वायुमंडल है इसमें कुछ गैसे हम विसर्जित करते हैं, जिसमें SO2 है, SO3 है, NO2 है, NO के और भी जो ऑक्साइड्स हैं वो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, वायुमंडल में जाते हैं और जलवाष्प से क्रिया करके ये क्या करते हैं कि एसिड का निर्माण करते हैं, और वो एसिड सामान्य वर्षा के साथ मिल करके पृथ्वी पर बरसता है और वो अलग अलग जगह पर हानि पहुंचाता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं, एसिड रेन जो है इसके कारण क्या क्या हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर वेपर है, अब ये देखिए, जो वाटर वेपर है ये क्या करता है कि जो भी गैसें हम उत्सर्जित कर रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं अलग अलग स्रोतों से, स्रोत भी अभी हम समझेंगे डिटेल में एक एक करके, जिसमें से हमारे सॉक्स नॉक्स, CO2, CO, ये सारी गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जिनसे मिल करके वाटर वेपर क्या करता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है, एसिड का निर्माण करता है। तो वो आगे आकर के पृथ्वी पर बरस के अम्ल वर्षा करते हैं। अब इसको देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं इस डेटा से समझिए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कोयले के जलने से और पेट्रोलियम शोधन से होता है, और इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ये गैस अभिक्रिया करती है तो इससे क्या होता है, हमको H2SO4 प्राप्त होता है, मतलब जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिलता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यही सामान्य बारिश में मिल करके एसिडिक रेन करता है। आगे बात करते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पानी के साथ क्लियर जो अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से सल्फर को अपचयित करने वाले जीवाणुओं से प्राप्त होता है और ये भी एसिड रेन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड विभिन्न प्रकार के जल के साथ, मतलब वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करके जो भी हमारा नाइट्रिक एसिड है उसका निर्माण करते हैं, HNO3 का, और ये एसिड रेन में हिस्सा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो भी अभिक्रिया करके हमारा ये जो अभिक्रिया है वो एसिड रेन में वो भी सहायक होती है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, किस प्रकार से
एसी ड्रेन में वाटर वेपर से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कैसे मिल करके कैसे कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें एसिड तैयार कर रहे हैं जो वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर के बरस रहे हैं। अब इस चीज को समझिए कि अलग अलग स्रोत क्या क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्री से, जिसमें पावर सेक्टर सबसे अधिक है, ये जो पर्पल कलर का आप इस चार्ट को समझिए, SO2 पावर सेक्टर में, पावर स्टेशन जो है जिसमें थर्मल पावर स्टेशन है, जिसमें कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है वो SO2 का बहुत बड़ा स्रोत है। अदर सोर्सेज हैं, अन्य इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप स्टील इंडस्ट्री को ले सकते हैं। नॉक्स जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ियां यूज होती हैं उनके इंजन से निकलने वाला धुआं है। पावर स्टेशन से भी नॉक्स उत्सर्जित होता है, पावर प्लांट से भी होता है, इंडस्ट्रीज से भी होता है, और कुछ छोटे मोटे अदर सोर्सेज भी हैं जो नाइट्रस के ऑक्साइड को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। अब इससे क्या होता है कि एसिड रेन फॉर्म होती है और पृथ्वी पर बरसती है। अब बात करते हैं कि एसिड रेन के प्रकार कैसे कैसे, दो प्रकार के हैं। इवन कैटेगरी की अगर बात करें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये दो प्रकार हो गए। और अगर एसिड रेन के टाइप्स क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार के हैं, गीली एसिड रेन और सूखी एसिड रेन। सबसे पहले हम इसको ना पढ़ करके ये समझेंगे कि गीली एसिड रेन और सूखी एसिड रेन क्या होती है। तो जो गीली एसिड रेन है इसको समझिए, जो अभी अभिक्रिया हमने पीछे पढ़ी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये जो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, H2SO4 निर्माण कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये गीला हो रहा है, एक लिक्विड फॉर्म है, ये आकर के डायरेक्ट पृथ्वी पर बरस रहा है, ये हो गई गीली एसिड रेन, ये इसका एक एग्जांपल है। सूखी एसिड रेन में क्या होता है कि जो सॉक्स नॉक्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, CO2 है, ये अन्य जो गैसें हैं, ये सब क्या करती है कि वायुमंडल में मिल जाती हैं अन्य गैसों से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से ट्रेवल करती रहती हैं, और ये फिर बाद में कालांतर में जहां पर बारिश का मौसम बनता है, इस प्रकार से बारिश होती है, उस प्रक्रिया में शामिल होकर के बाद में जो एसिडिक जो रेन है उसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सूखी एसिड रेन में आते हैं। जब ये फॉर्मेशन करेंगे गीली एसिड रेन का तो वो गीली एसिड रेन में आ जाएंगे, लेकिन जब तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो सूखी एसिड रेन है। जो अभी हवाओं के माध्यम से लोगों तक, प्रकृति तक पहुंचता है वो कैसा है, सूखी एसिड रेन है। अब बात करते हैं कैटेगराइजेशन की कि प्राकृतिक और मानव निर्मित एसिड रेन के कारण क्या क्या है। प्राकृतिक की अगर हम बात करते हैं तो जो वॉल्केनोज है हमारे, ज्वालामुखी है, उनसे निकलने वाला धुआं मुख्य स्रोत है, और जो जंगल है उनमें जो कभी कभार आग लगती है या अन्य जो त्रासदी आती है उससे जो विषाक्त गैसें निकलती हैं वो भी प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। अब बात करेंगे मानव निर्मित कौन कौन से स्रोत हैं, तो इनमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो थर्मल पावर प्लांट है, अन्य इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री है, और अन्य जो इंसलरीज हैं इनकी वो मेजर इसमें भूमिका निभाती हैं। अभी आपने चार्ट के माध्यम से देखा था डेटा कि कितने अधिक मात्रा में जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है, उनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो उत्सर्जित होते हैं। पावर स्टेशन के बाद अगर हम ये बात करें, ये जो चित्र दोनों आप देख रहे हैं ये थर्मल पावर स्टेशन के हैं। आगे बात करते हैं कि मानव निर्मित जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वाहनों के धुएं से, इंजन से निकलने वाले जो गैसें हैं उसमें से वो उसका मुख्य स्रोत बनते हैं। अब बात करते हैं कि एसिड रेन के प्रभाव क्या क्या है मानव शरीर पे। हमने सीखा एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके प्रकार क्या क्या है, ड्राई वेट और आर्टिफिशियल और नेचुरल कॉजेज। अब बात करते हैं कि एसिड रेन के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं मानव जीवन पे, वायुमंडल पे। तो अब ये देखिए, ये फिगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने यहां से सॉक्स नॉक्स ये सब गैसों का उत्सर्जन किया, ये देखिए आप, यहां से हमने उत्सर्जन किया
तो क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर पे गया, यहाँ बारिश हुई तो ये HNO3 H2SO4 के फॉर्म में बरसा, बरसात के साथ जो एसिड रेन हुई। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर गिरा और ये कैनाल के थ्रू समंदर में मिला या हमारे जितने भी तालाब हैं नदियाँ हैं उनमें मिला, कुछ चीज़ें अवशोषित होकर के, कुछ वर्षा का जल अवशोषित होकर जमीन में गया, तो जो हमारी मिट्टी है वो भी अम्लीय हो रही है। जब ये सीधे तौर पर पेड़ पौधों पर पड़ते हैं तो पेड़ों को क्षति पहुंचती है। हमारे जो जलीय वातावरण है, जो आप इस फिगर से डिफ्रेंशिएट करके देखिए कि पहले कितना अच्छा रहता है, लेकिन जब एसिड रेन होती है तो जो जानवर, जो इसके जीव जंतु हैं जिसमें मछलियां हैं, अन्य जो जलीय जंतु हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो काफ़ी अधिक संख्या में मृत होते हैं। पेड़ और पौधे, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, सूख जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, जंगल नष्ट होने लगते हैं, और सबसे बड़ा प्रभाव जो भारत में आपको देखने को मिलेगा वो है ताजमहल का पीला होना एसिड रेन के कारण। ये ड्राई और वेट दोनों फॉर्म में इसको हानि पहुंचा रहे हैं। ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, विश्व के 7 अजूबों में प्रमुख है, और ये अभी पीला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो आगरा की रिफाइनरी है, तेल शोधन कारखाना, उसमें क्या है कि उस वजह से, और जो आसपास के पावर सेक्टर हैं अभी बंद हो गए, दिल्ली के जो पावर प्लांट्स थे, ये सब चीज़ें वायुमंडल में एसिड रेन के कारक बनते थे और बन रहे हैं इवन अभी भी, जिससे ताजमहल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो एसिड रेन से इमारतें खराब होती हैं, उनके पेंट खराब होते हैं, संगमरमर की इमारतें पीली होने लगती हैं और आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो अपनी क्षमताएं खोने लगती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, जंगल नष्ट होने लगते हैं। अब बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप एसिड रेन, हम कैसे रोक सकते हैं एसिड रेन को। तो जो सॉक्स नॉक्स का उत्सर्जन है, जो हम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसेज जो हैं जो एसिड रेन में सहायक हैं, जो हम बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं वायुमंडल में, उनको हमें मिनिमाइज करना होगा। पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं उनको सख्त बनाना होगा। ये जितनी भी हमने यहाँ पर अभिक्रियाएं पड़ी थी, इन सब अभिक्रियाओं को होने से हमको रोकना होगा, क्योंकि जब तक ये अभिक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी तब तक एसिड रेन फॉर्म होता रहेगा, और जितना ज़्यादा एसिड रेन फॉर्म होगा उतना ही अधिक मानव समाज के लिए, प्राकृतिक वातावरण के लिए हानिप्रद होगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एसिड रेन को। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक आपको डिटेल्ड आंसर वहां भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अन्य किसी टॉपिक पे ऐसा ही वीडियो चाहते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो आप हमें कमेंट करके उस टॉपिक को बता सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ब्लैक होल, क्योंकि उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो ब्लैक होल पर हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करके अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ाता है और हमें नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल के अन्य सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है, साथ ही साथ आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक प्राप्त करके। हम रेगुलर रूप से आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कैसे प्राप्त करना है वह आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।